हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है चतुर खरगोश। एक वन में भासुरक नामक एक सिंह रहा करता था। वह अपनी शक्ति के मद में इतना डूबा हुआ था कि रोज अनेक पशुओं का वध किया करता। कुछ को तो खाकर अपनी भूख शांत करता, लेकिन अधिकतर पशुओं को मारकर यूं ही डाल देता और वन में दहशत फैलाता। ऐसे में बचे हुए वन के जीवों ने सोचा कि इस तरह तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे और हमारी नस्ल भी खत्म हो जाएगी, इसलिए इस शक्तिशाली और खूंखार शेर को रोकना बहुत जरूरी है। यह विचार करके वन में बचे हुए प्राणियों ने एक बैठक बुलाई। सबने अपने अपने विचार रखे। एक चालाक लोमड़ी ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, मेरे विचार से हमें अपनी ओर से एक प्रतिनिधि भेजकर शेर के सामने यह प्रस्ताव रखना चाहिए कि भूख मिटाने के लिए उसे प्रतिदिन एक प्राणी की जरूरत होती है, तो इतने जीवों की हत्या करने से क्या लाभ है। सबको लोमड़ी का विचार ठीक लगा और उसे सभी अन्य जीवों ने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने गीदड़ को ही सर्वसम्मति से अपना प्रतिनिधि चुना और शेर के पास भेज दिया। गीदड़ शेर के पास आया और उसको नमस्कार करते हुए बड़े ही आदर के साथ बोला, महाराज, मैं वन के प्राणियों की ओर से उनका दूत बनकर आया हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? शेर ने गुर्राते हुए पूछा। हमने आपस में मिलजुल कर विचार किया है कि यदि आप इन वन के किसी भी जीवों को अनावश्यक रूप से न मारें, तो हम आश्वासन देते हैं कि प्रतिदिन आपकी भूख शांत करने के लिए एक पशु आपके पास भेज दिया करेंगे। इससे आपको भी शिकार की खोज में भटकना नहीं पड़ेगा और हमारा भी असमय हो रहा विनाश रुक जाएगा। गीदड़ ने बड़े ही आदर भाव के साथ कहा। शेर ने गीदड़ की बातों पर विचार किया। उसके बाद उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु थोड़ी देर में चेतावनी भरे स्वर में शेर बोल पड़ा, मुझे तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त महाराज? गीदड़ ने बड़े ही शंकित स्वर में पूछा। जिस किसी दिन भी मेरा शिकार नहीं आया, उसी दिन मैं वन के सारे पशुओं को मारकर खा जाऊंगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है महाराज। आपको नियमित रूप से भोजन के रूप में एक पशु मिल जाया करेगा। इसका वादा मैं वन के अन्य पशुओं की ओर से आपसे करता हूँ। उस दिन के बाद बारी बारी से एक पशु शेर का भोजन बनने के लिए रोज उसके पास जाया करता, जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटाता रहे। कुछ दिनों के बाद एक चतुर खरगोश की बारी आई। उसने सोचा कि जब आज मरना ही है तो जल्दी किस बात की है, आराम से जाऊंगा ताकि कुछ देर और जीवित रहने का अवसर मिल जाए। इसके अलावा वो ये भी सोच रहा था कि कोई ऐसी युक्ति निकले जिससे मैं शेर को हमेशा के लिए समाप्त कर सकूं। परंतु ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो गई। इतना छोटा खरगोश इतने बड़े शेर को कैसे मार सकता है? लेकिन खरगोश ने अपनी बुद्धि और चालाकी से एक युक्ति निकाल ही ली। सहसा खरगोश ने एक उपाय सोचा और अपनी योजना के अनुसार सायंकाल होने पर वह शेर के पास पहुंच गया। शेर खरगोश को देखकर आग बबूला हो गया। अरे दुष्ट, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे खाकर मेरी भूख मिटेगी ही नहीं, उस पर तू इतनी देर से आया है। कल प्रातःकाल होते ही तेरे सारे जाति बंधुओं का विनाश कर दूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। महाराज ऐसा मत कहिए, मैं तो प्रातःकाल होते ही घर से निकल पड़ा था और ठीक समय आपके पास पहुंच भी जाता, लेकिन रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने घेर लिया। महाराज, मैं किसी भी तरह अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। दूसरा शेर? इस वन में मेरे अलावा और कोई शेर नहीं है। भासुरक तुरंत भड़क उठा। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, उसने मेरा रास्ता रोका और मुझे खाने की चेष्टा भी की थी। लगता है उस दुष्ट की मृत्यु निकट आई है।
जिसने मेरे रहते मेरे वन में आने की हिम्मत की है। भासुरक दहाड़ते हुए खरगोश से बोला, चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो दुष्ट। खरगोश मन ही मन खुश हुआ और बोला, आइए महाराज। खरगोश भासुरक को एक सुनसान जगह पर ले गया और इधर उधर देखने का अभिनय करने लगा। फिर बोला, महाराज लगता है आपके डर से इस कुएं में छुप गया है वो। ओहो डरपोक कहीं का। यह कहकर शेर ने कुएं में झांका तो पानी में उसे अपना प्रतिबिंब नजर आया। भूख और प्यास से व्याकुल भासुरक ने समझा कि यह वही दुष्ट शेर है जो इस वन में मेरा एक छत्र राज्य छीनने के लिए आया है। क्रोधावेश में भासुरक बहुत जोर से दहाड़ा तो उसकी दहाड़ की प्रतिध्वनि लौट कर उसके कानों में पड़ी। भूख प्यास और क्रोध की आग में जलता हुआ वह उस पर झपटा और उसका वध करने के लिए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कूदते ही भासुरक डूब गया और डूबकर मर गया। खरगोश ने लौट कर अपने बुद्धिबल से भासुरक के कुएं में गिरकर परलोक सुधारने का समाचार अपने सभी पशुओं को सुनाया तो सभी प्रसन्नता से झूम उठे और उसका काफी आदर सत्कार किया तथा उसकी बुद्धिमत्ता को सराहा। छोटे से खरगोश की बुद्धि के कारण आज जंगल के सभी जानवर सुख और चैन से रह सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ा कोई दूसरा बल नहीं होता। बुद्धि बल से निर्बल प्राणी भी शक्तिशाली को धराशाही करने में समर्थ रहता है। संकट में भी बुद्धि का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके बाय।